नमस्कार सर जी, यह है एक रवि का स्टैंड फैन है। इसमें समस्या देखिए, यह जो पंखुड़ी है, जैसे ही हम इसमें लाइट देते हैं वैसे यह जाम हो जाता है। ठीक है, और यह देख सकते हैं आप, यह वही कूलर मोटर वाला ओरिजिनल रवि का स्टैंड फैन है। ठीक है, तो इसे ऑन स्थिति में करते हुए हम चलिए इसका समस्या आपको दिखाते हैं। हम इसे सीरीज लाइन पर डालते हैं और इसके आवाज़ पर गौर कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार से इसमें यह जो सॉफ्ट राड है पंखुड़ी को चलाने वाला, यह लाइन जाते ही बिल्कुल जाम हो जाता है और कुछ इसी तरीके से साउंड आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें लाइट को ऑफ करते हैं यह फ्री हो जाता है। तो इस टाइप के समस्या को कैसे हम ठीक कर सकते हैं और यह किस कारण से आता है, चलिए इसे खोल करके बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बनाते हैं, क्योंकि मैं अकेले ही एक हाथ पे कैमरा और यह काम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कुछ पार्ट्स इसमें कट करके दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं बन पाता है इसीलिए। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसके स्क्रू सारे को खोलने के बाद में इसे हल्का हल्का यहाँ से यह साइड को प्रेशर देने पर, वाइब्रेशन प्रेशर, यह बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीका से जब यह बाहर आ जाए, ठीक है, इस बेक वाले कवर से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यह बाहर निकाल लेने होते हैं। उसके बाद में जो है ना, यह जो बैरिंग है इसका नंबर 6201, इसका नंबर होता है, जो कि दोनों साइड एक ही नंबर के लगे होते हैं। इसे हम इस प्रकार के कोई भी लोहे के चपटे आकार वाले लोहे में ठोक ठोक करके इसे बाहर करने होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि इसका कोई ड्राइवर नहीं है इसे बाहर निकालने के लिए, तो क्योंकि हम इसी तरीका से कठवे पे रख कर ही इसे निकालते हैं ठोक ठोक के। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, इसका नंबर 6201 कुछ इस प्रकार से होता है, और इसके एक साइड का निकल जाने के बाद में दूसरे साइड का भी इसे निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें समस्या इस बैरिंग में एक साइड में भी बनने लगे तो भी कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम बनने लगते हैं पंखे में, कि लाइन जाते ही चिपक जाता है पंखुड़ी। और ये देखिए, इसके सॉफ्ट राड का हालत भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है यह। और इस स्थिति में यह सॉफ्ट राड घिस जाने पर हम इस सॉफ्ट राड को भी चेंज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास नया सॉफ्ट राड उपलब्ध ना हो, जैसे कि अभी हमारे पास नहीं है, तो उस स्थिति में इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ज़रा गौर से देखते रहिए, ध्यान से देखिए, सीखने योग्य काम के लायक वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ ये जो घिसे हुए पॉइंट होते हैं सॉफ्ट राड का, जहाँ पे यह वायरिंग जा करके जमता है, ठीक है, वह एरिया अगर कुछ इस प्रकार से घिस जाए, तो घिसे हुए उस पॉइंट पे जितना गड्ढा बना रहता है, उस गड्ढे को भरने के लिए उसके बीच वाले पॉइंट पे गड्ढा बनाना पड़ता है, जैसे सॉफ्ट राड को ठोक ठोक करके, मतलब काटना पड़ता है, ठीक है, बीच बीच से, ताकि यह बैरिंग उस गड्ढे के उभरे हुए जो सतह पॉइंट होते हैं उसकी वजह से दोबारा उसी स्थान पर टाइट बैठ सके। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से ही इसे एडजस्टमेंट करते हुए बिठाने होते हैं, बहुत ही
सावधानी पूर्वक करने लायक काम है, क्योंकि यह शाफ्ट रॉड जो है ज़रा सा ज़्यादा प्रेशर देने पर बेंड हो जाता है। उस स्थिति में सावधानी से इसे यह काम को करने होते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है 3.15 mFD का, तो उसे भी हमने नया लगा दिया है। अब चलिए इसे कंप्लीट सेट कर दिए हैं, तो एक बार इसे चला करके देखते हैं क्या अभी भी यह सॉफ्ट रॉड लाइन इनपुट देते ही चिपकने लगता है या चलता है। तो हम इसमें एक बार लाइट देते हैं और फिर इसे अभी सेट भी करके इसका पंखुड़ी जो है स्थिति देखना होगा। हमने सीरीज लाइन पर डाला और देखिए आप, यह चलने लगा है। यह अच्छी तरीक़ा से चलने तो लगा है, घूम रहा है बिना दिक्कत के, लेकिन इसमें साउंड कुछ आ रहे हैं खट 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 के, तो यह साउंड देखते हैं कितना दब पाता है इसे एडजस्टमेंट करते हुए। यहाँ प्रेशर देने होते हैं हल्का हल्का, ये सॉफ्ट रॉड और ये ऊपरी सतह पर इंजन के, ठीक है। इससे साउंड अगर थोड़ा मोड़ा भी दब जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दबता है तो, क्योंकि इसका सॉफ्ट रॉड जो है अभी प्रॉब्लम स्थिति में, हम इसे बैरिंग को नया लगा करके इसमें एडजस्टमेंट बिठाए हैं ताकि यह कुछ दिन के लिए और चल सके। यह काम भले ही टेम्प्रेरी है, लेकिन तुरंत इस प्रकार से आप समाधान कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ सामान है और कुछ नहीं है उस स्थिति में भी, ठीक है। और अगर मिलता है तो बैरिंग और इसके सॉफ्ट रॉड दोनों के एक साथ चेंज करने पर इसके प्रॉब्लम जो है जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की समस्या केवल इस सॉफ्ट रॉड की वजह से आते हैं। यह ओके हो चुका है। वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। अब रह जाता है इसके बाकी के यह सेटिंग करने, जो कि हम इसमें यह पीछे साइड में लगने वाला पंखुड़ी होता है छोटा वाला, जो कि इंजन को कूल रखने का काम करता है। यह इंजन पर बनने वाले गर्म हवा को बाहर करते हुए इसे ठंडा रखते हैं, ठीक है। यह इसीलिए कूलर मोटर कहलाता है। यह रवि फर्राटा फैन, स्टैंड फैन जो है ना, यह काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं और बहुत लंबे चलते भी हैं। सामान्यतः इसमें इतना जल्दी खराबी नहीं आता है, लेकिन कुछ साल चलने के बाद में यह सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है, बनने लगते हैं, जिसे बनवाना भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसके जो क्वाइल हैं यह इतनी आसानी से नहीं जलते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। यह बहुत बेहतरीन पंखा कहा जा सकता है इसे। तो यह पूरा काम अगर आपको पसंद आया हो, कुछ जानने सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इसका साउंड जो है बहुत ही बेहतरीन हो चुका है और यह अच्छा चलने लगा है, ठीक है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको।